बच्चों, अब हम हाइड्रोकार्बन टॉपिक में से एल्कीन्स की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू प्रिपेयर एल्कीन्स। इसके टोटल चार मेथड हैं आपके कोर्स में, तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्काइन्स, है ना। एल्काइन्स तो ट्रिपल बॉन्ड है, अगर उसको हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो एल्कीन्स में बदल जाता है। एल्काइन्स आर ऑन पार्शियल रिडक्शन विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाई हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज चारकोल, पार्शियली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन्स लाइक सल्फर कंपाउंड्स और क्यूनोलिन गिव्स एल्कीन। बच्चों, इतनी सारी कंडीशंस क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि अगर एल्काइन्स को आप पार्शियल रिडक्शन नहीं करोगे ना, तो वो उसकी टेंडेंसी है कि वो कम्प्लीटली रिड्यूस होकर आपको एल्केन्स दे देगा, है ना। ट्रिपल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, हमको वो नहीं चाहिए। हमको एल्काइन को कन्वर्ट करना है एल्कीन्स में, मतलब पार्शियल रिडक्शन करना है। तो उसके लिए एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन होगी तो पॉसिबिलिटी है कि उसका पूरा रिडक्शन हो जाए। इसके अलावा जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं, कैटलिस्ट लेते हैं इसमें पैलेडियम, पैलेडाइज चारकोल, मतलब पैलेडियम होता है चारकोल के साथ, उसको भी हमने ऐसे नहीं लिया है, उसको हमने डीएक्टिवेटेड किया है। अगर हम ऐसे ही पैलेडियम ले लेंगे ना, तो वो पूरा एल्केन दे देगा आपको, सारा रिड्यूस होके सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। हमने उसको डीएक्टिवेट किया है, किससे? एक ऐसा है कैटलिस्ट जो कि डीकैटलाइज करता है, मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करता है, उसको पॉइजन बोलते हैं, है ना। कैटलिस्ट तो है पैलेडाइज चारकोल, और उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने के लिए हमने एक पॉइजन यूज़ किया है। वो पॉइजन के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं क्यूनोलिन या फिर कुछ सल्फर कंपाउंड, जो कि इसको पैलेडाइज चारकोल को क्या करेगा, डीएक्टिवेट कर देगा। तो ये दोनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि क्या कैटलिस्ट है और क्या पॉइजन की फॉर्म में लिया है, है ना। क्यूनोलिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज चारकोल इज नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट। इन दोनों को मिला के, मतलब आपने पॉइजन भी यूज़ कर लिया और आपने कैटलिस्ट पैलेडाइज चारकोल यूज़ किया, उसको लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं। एल्कीन्स दस ऑब्टेंड आर सिस इन ज्योमेट्री। तो सिस क्यों है ज्योमेट्री में? क्योंकि जो आपने पैलेडियम यूज़ किया है ना, वो किसका काम करता है, वो हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है। तो बच्चों, जब वो एड्सॉर्ब करके हाइड्रोजन, तो एक ही डायरेक्शन से आएगी ना, हाइड्रोजन के एटम्स एक ही साइड से आएंगे मॉलिक्यूल के अंदर, एल्काइन के अंदर, तो वो एक ही साइड में जुड़ते हैं, तो इसलिए हमको सिस ज्योमेट्री वाला ही एल्कीन प्राप्त होता है। हाउएवर एल्काइन्स ऑन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म ट्रांस एल्कीन्स। अब ये दिस इज़ अनदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एल्काइन्स इंटू एल्कीन्स। किसके साथ? सोडियम लेना है आपको लिक्विड अमोनिया में, ठीक है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। पहले ये वाला मेथड देख लो, पैलेडाइज कार्बन, ये इथाइन ली है आपने, है ना, C2H2, और उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराइए, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडाइज कार्बन, पैलेडाइज चारकोल, और आपको ये मिल गई है इथीन, ठीक है। इसमें तो सिस ट्रांस का कुछ ऐसा है ही नहीं, ये तो सिमेट्रिकल है। फिर प्रोपाइन को भी सेम मेथड से आपने प्रोपीन में कन्वर्ट कर लिया। वो पूछ रहा है कि जो प्रोपीन मिली है, इस तरह से प्रोपीन मिली है ना, तो ये आपको क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी? प्रोपीन कैसे शो करेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? प्रोपीन में तो जो टर्मिनल कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड है, उसके जो हाइड्रोजन है दोनों, वो तो सेम ही सब्सिट्यूएंट है ना। उसमें से अगर एक दूसरा सब्सिट्यूएंट होता तब वो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता। जैसे प्रोपीन की स्ट्रक्चर तो ऐसी है ना, तो देखो बच्चों, एक कार्बन पे तो दोनों ग्रुप्स हाइड्रोजन ही है, और एक कार्बन पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ अगर CH3 होता दूसरे कार्बन के साथ, तब तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता। इसमें कैसे ट्रांस बनेगा? तो दिस विल नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब मैं आपको दूसरा मेथड समझाती हूँ कि रिडक्शन का, पार्शियल रिडक्शन का एक और मेथड भी है, जिसमें हम सोडियम यूज़ करते हैं लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जब सोडियम है, तो वो क्या करेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन्स में से, आपको पता है सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत कम इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, तो इलेक्ट्रॉन दे देता है बहुत आसानी से।
तो इस एल्काइन के एक कार्बन को वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर इसमें डी स्टेबलाइजेशन हो जाने के कारण ये जो एल्काइन का दूसरा कार्बन है वो अमोनिया में से एक हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और इस तरह से इनका रिडक्शन हो जाता है और इसमें आपको ट्रांस एल्कीन मिलता है ना। तो इसका बहुत डिटेल्ड मैकेनिज्म अभी आपके लिए नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आप सिर्फ मेथड देख लीजिए। दूसरा है एल्काइल हैलाइड से, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड आपको पता ही है, RX ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटाश। एल्कोहलिक पोटाश क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जिसको डिजोल्व किया गया है एल्कोहल्स में। तो KOH वैसे ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ना, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो वो भी डिजोल्व है एल्कोहल के अंदर। ऐसा हमने रिएक्शन मीडियम लिया है, एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एसिड टू फॉर्म एल्कीन्स। जब आप इस तरह की परिस्थितियाँ प्रोड्यूस करेंगे किसके साथ? एल्काइन एल्किल हैलाइड के लिए, तो एल्किल हैलाइड में से HX निकल जाएगा बाहर, देखते हैं कैसे निकलता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का भी निकल जाना और एक हैलोजन का भी निकल जाना, वही हम चाहते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई एल्किल हैलाइड है, आप क्या चाहोगे इसमें से इसको एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए? कि ये HX निकल जाए, दोनों H हाइड्रोजन भी निकल जाए और ये X भी निकल जाए, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो एक एल्कीन होगा। तो आप इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करो, हीट करने से बीटा जो कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और अल्फा कार्बन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, हैलोजन ग्रुप, उसके पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे एलिमिनेशन के लिए कि जो बीटा कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। मान लीजिए उसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है बीटा कार्बन के ऊपर, तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी, है ना। मान लीजिए तीनों एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं बीटा कार्बन से, तब वो रिएक्शन नहीं देगा ऐसा कंपाउंड। बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ठीक है। किस तरह से होता है ये? KOH की टेंडेंसी है H+ आयन को लेने की, तो ये क्या करेगा, इस बीटा कार्बन में से H+ आयन ले लेगा। अब H+ आयन लेते ही जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो गया, तो अनस्टेबल होने के कारण ये अब X भी निकाल देगा मॉलिक्यूल में से, और आपस में ये डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएंगे एल्कीन की फॉर्म में, ठीक है। नेचर ऑफ हैलोजन एटम एंड द एल्काइल ग्रुप डिटरमाइन रेट ऑफ द रिएक्शन। हैलोजन एटम जितनी आसानी से छोड़ देगा मॉलिक्यूल को, वो उतनी ही आसानी से ही रिएक्शन या उतनी फास्ट रिएक्शन देगा। तो उसमें से आयोडीन आपको पता है सबसे बड़ा साइज़ में है, ये छोड़ देता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है, उससे कम रिएक्टिव है ब्रोमीन और उससे कम है क्लोरीन। रिएक्टिव तो सबसे कम आयोडीन है, पर ये ग्रुप छोड़ देते हैं, है ना, छोड़ने में एसिड बनाने में H के साथ रिएक्शन करके अपना एसिड की फॉर्म में लीव कर देंगे, छोड़ देंगे मॉलिक्यूल को। तो एक तो रिएक्टिविटी ये डिसाइड करेगा कि कौन सा हैलोजन जुड़ा हुआ है, और दूसरा डिसाइड करती है एक्टिविटी कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, कि ये टर्शरी है एल्काइल ग्रुप या सेकेंडरी है या प्राइमरी है। तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप में सबसे कम होती है रेट ऑफ रिएक्शन, और टर्शरी में सबसे ज़्यादा होती है ना। इसमें बच्चों ये कार्बोकैटायन के ऊपर बेस्ड नहीं है, कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, ये बेस्ड है कि कितनी जल्द जो कौन सी एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो एल्कीन टर्शरी एल्कीन जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम होती है प्राइमरी। तो ये डिपेंड करता है कि जो एल्कीन बनने वाली है वो टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, उसके बेसिस पे भी ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, ओके। तो अगर एल्काइल ग्रुप जो है आपका टर्शरी एल्काइल ग्रुप है तो वो आपको रिएक्शन फास्ट देगा, अंडरस्टूड। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स, अब आप बोलोगे विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? डाइहैलाइड्स से तो आपको समझ में आ रहा है कि दो हैलोजन आइटम्स जुड़े हुए हैं, डाइहैलाइड है, लेकिन विसिनल और जेम डाइहैलाइड क्या होते हैं? जेम में एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हैलोजन जुड़े होते हैं, और विसिनल में दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अब हैलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं, जो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। उसकी जिंक के साथ आप रिएक्शन कराओ, और आप ये रिएक्शन करके क्या करेगा, ये डीहैलोजिनेशन हो जाएगा इसका, ZnBr2 प्लस एल्कीन, ठीक है। ये आपने प्रोपीन लिया है, ये प्रोपीन बनाया है, ठीक है। तो विसिनल डाइहैलाइड के साथ भी आपको क्या मिलते हैं? एल्कीन्स मिलते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ डीहैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल,
which has a strong tendency to react with halogens and making their ionic compound ZnBr2, ZnCl2. Okay. From alcohols by acidic dehydration. एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, आपको मालूम है ना, एक एसिड है H2SO4 जो कि वाटर रिमूवल में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है. क्यों है वो वाटर रिमूवल में इतना स्ट्रॉन्ग? क्योंकि वो क्या है, जिस भी मान लीजिए अल्कोहल के पास OH ग्रुप है तो वो उसको, इसकी तो टेंडेंसी है ही H+ आयन देने की, एसिडिक है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो उस अल्कोहल के OH ग्रुप को H+ आयन दे देता है. तो H+ आयन दे देगा तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, फिर वो वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में उस कंपाउंड से अलग हो जाता है. इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन. तो यू हैव रेड ड्यूरिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट होमोलोग सीरीज दैट एल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन्स. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ROH, वेयर R इज NCNH2N+1. एक हाइड्रोजन कम होता है किससे, एल्कीन से, जो पेरेंट एल्कीन से बना हुआ ना, एल्कीन से. एल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म एल्कीन्स विद द एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल. सिंस अ वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द एल्कोहल मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. क्यों बीटा एलिमिनेशन? क्योंकि जो OH ग्रुप है ना, इट टेक्स आउट वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम. देखो फिर वही अल्फा बीटा, अल्फा जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और बीटा उसके एडजेसेंट कार्बन एटम को बोलते हैं. तो जो H है वो तो बीटा कार्बन से निकलेगा और OH जो है वो कार्बन, अल्फा कार्बन से. इसकी रिएक्शन हीट किया इसको आपने इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. H2SO4 H+ आयन देगा किसको, OH ग्रुप को, और ये H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, और फिर ये जो बीटा कार्बन है वो भी H+ आयन निकाल के और आपस में डबल बॉन्ड बना के इथीन बना देंगे. देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ये 10th में भी थी आपकी रिएक्शन.